नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो है मेजरिंग टेप ऑल अबाउट सूत, यानी इस पूरी वीडियो में हम सूत के ऊपर बात करेंगे कि सूत को कैसे बोला जाता है, कैसे सूत को लिखा जाता है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, एक सूत 3.175 mm के बराबर कैसे होता है इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, और जो नट बोल्ट आते हैं वो आते हैं सूत में, तो सूत में नट बोल्ट का साइज कैसे लिखा जाता है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि लाइक और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पे। प्लीज अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी बनी है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 इंच बराबर होता है 8 सूत के, और 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 सूत इक्वल होता है 25.4 mm के। तो अगर हम एक सूत का निकालते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे, 25.4 को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, ये 8 यहां पे आ जाएगा नीचे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा एक सूत 3.175 mm के बराबर आएगा। यहां पे हमने एक सूत को कैलकुलेट कर लिया कि वो कितने mm के बराबर होता है। तो अभी हम देखेंगे इस तरफ कि सूत को कैसे बोला जाता है और कैसे सूत को लिखा जाता है। एक सूत इक्वल होता है 3.175 mm के, और एक सूत को लिखा जाता है 1/8, और यहां पे इंच का निशान दिया जाता है, ऐसे एक सूत को लिखा जाता है। इसके बाद आता है दो सूत, दो सूत को लिखते हैं 2/8, पर ये आगे सॉल्व हो जाता है तो इसको लिखेंगे हम 1/4, और इसके ऊपर इंच का निशान, और दो सूत को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.175 के साथ, तो आएगा 6.35, यानी दो सूत 6.35 mm के बराबर है। इसके बाद आता है तीन सूत, तीन सूत को लिखते हैं 3/8, और इसके ऊपर इंच का निशान देते हैं, और तीन सूत को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.175 के साथ तो आएगा 9.525, यानी तीन सूत 9.525 mm के बराबर होता है। इसके बाद आता है चार सूत, चार सूत को हाफ भी बोलते हैं क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो चार सूत उसका हाफ होता है, इसलिए इसको हाफ भी बोला जाता है। इसको हम लिखेंगे 4/8, तो इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इसको लिखा जाता है, और इसके ऊपर ऐसे इंच का निशान दिया जाता है। तो चार को मल्टीप्लाई करेंगे 3.175 के साथ तो आएगा 12.7 mm, यानी चार सूत में होते हैं 12.7 mm। इसके बाद आता है पांच सूत, पांच सूत को लिखते हैं 5/8, और ऐसे इंच का निशान देते हैं उसके ऊपर, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.175 के साथ तो आएगा 15.875 mm, यानी पांच सूत में 15.875 mm होते हैं। तो ऐसे ही सिक्स सूत का निकालना है, 6/8, इसको 6/8 नहीं लिखना, इसको लिखेंगे हम 3/4 क्योंकि ये आगे कैलकुलेट हो गया है, और इसके ऊपर इंच का निशान देंगे, और छह सूत को अगर हम 3.175 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19.05 mm। तो छह सूत में होते हैं 19.05 mm। ऐसे ही सात सूत का निकालेंगे, इसको लिखेंगे 7/8, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 22.225 mm, यानी सात सूत में होते हैं 22.225 mm। तो अगर हम 8 सूत का निकालेंगे तो 8 सूत को लिखेंगे 8/8, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 इंच, यानी 1 इंच में होते हैं 8 सूत, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.175 के साथ तो आएगा 25.4 mm, यानी 1 इंच 8 सूत के बराबर होता है, और 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो ऐसे हम सूत को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे सूत को लिखा जाता है इसमें आप देख सकते हैं। अभी हम नट बोल्ट को कैसे सूत में लिखा जाता है वो देखते हैं। तो MS का बोल्ट है और इसका साइज है 4 सूत, तो 4 सूत को हम अगर स्टोर में लेने जाते हैं तो इश्यू स्लिप हमको फिल करनी पड़ती है, तो वहां पे हम 4 सूत नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लिखेंगे 1/2, इसके ऊपर इंच का निशान देंगे, इंटू कितना इंच लंबा हमको बोल्ट चाहिए, 3 इंच लंबा लॉन्ग और फुल थ्रेडेड, ये जो फुल थ्रेडेड बोल्ट है इसकी हम यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। तो ऐसे हमने वो इश्यू स्लिप फिल करनी है सूत में, अगर हमको सूत में बोल्ट लेना है तो हम उसको ऐसे राइट करेंगे।
अगर हमको 5/8 का बोर्ड लेना है तो हम उसको 5 सूत नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 5/8 और ऊपर इंच का निशान देंगे, और उसके बाद वो बोल्ट कितना लॉन्ग है वो लिखेंगे। तो ऐसे हम सूत में लिखते हैं और बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि इस वीडियो को देख के आपकी सूत के बारे में कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।